Hello students, welcome back to my channel Sukriti Edutech. Today we will solve question bank on fiber to fabric class 6. If you like my videos, then please like, share and subscribe. Let's start the video. Question number 1 of this question bank is, refer to the given group given below. Each group contains one odd member and select the correct options. So yahan par hame jo groups diye gaye hain, usme se hame odd member ko dhoondna hai. So sisal is a leaf fiber. ये हमें साइसल जो है वो हमें लीफ से ऑब्टेंड होता है और जूट एंड हैम्प इज द स्टेम फाइबर. सो यहाँ पर ये दोनों सेम है एंड साइसल इज अ ऑड मेंबर. वूल, सिल्क एंड कॉटन, जब हम देखते हैं तो वूल और सिल्क इज अ एनिमल फाइबर. ये एनिमल फाइबर है, कॉटन इज अ प्लांट फाइबर. सो कॉटन इज अ ऑड मेंबर. जूट, हैम्प एंड कॉटन, जूट और हैम्प जो है वो स्टेम फाइबर है, हमें प्लांट के स्टेम से मिलते हैं और कॉटन हमें प्लांट के फ्रूट से मिलता है, तो इट्स अ फ्रूट फाइबर. तो यहाँ पर भी कॉटन इज अ ऑड मेंबर, यहाँ पर भी कॉटन है और यहाँ पर साइसल. नेक्स्ट लास्ट वन इज रेयन पॉलिएस्टर. रेयन पॉलिएस्टर जो है वो सिंथेटिक यानी मैन मेड फाइबर है, सो दे आर द सेम. बट सिल्क इज अ एनिमल फाइबर, तो ये यहाँ पर ऑड मेंबर है. तो इस तरह के जहां पर भी हमें मिलेगा, सो फर्स्ट इज साइसल कॉटन, थर्ड वन इज कॉटन एंड फोर्थ वन इज सिल्क. सो वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कॉटन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द प्लांट. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज कॉटन जो है हमें प्लांट के फ्रूट से ही मिलता है. कॉटन इज ग्रोन एट प्लेसेज हैविंग ब्लैक सोइल, वार्म क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल. तो ये कंडीशन भी कॉटन के ग्रो होने के लिए करेक्ट है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. कॉटन ऑन बर्निंग गिव्स ऑर्डर ऑफ चार्ड मीट. नो, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज कॉटन को जब हम बर्न करते हैं तो हमें पेपर के बर्न होने की स्मेल आती है, यानी पेपर बर्निंग स्मेल होती है उसमें, नॉट चार्ड मीट की. तो दिस इज ऑप्शन इज इनकरेक्ट. डेनिम दैट इज यूज टू मेक जीन्स एंड जैकेट्स आर मेड अप ऑफ कॉटन. दिस इज ट्रू क्योंकि ये कॉटन से ही मिलता है. तो सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the fiber. I am obtained from the stem of the plant. I am also known as golden fiber. तो हमें यहाँ पर जिस फाइबर के बारे में बात की जा रही है उसको पता करना है. तो हैम्प, जूट, कोयर एंड फ्लैक्स. तो इसमें जो जूट है वो प्लांट के स्टेम से मिलता है और इसके अलावा इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं. तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Which fabric has now been banned because it involved cruelty to Tibetan antelope? तो जो हमें फैब्रिक टिबेटन एंटीलोप से मिलता था, आज उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है क्योंकि इसमें टिबेटन एंटीलोप को काफी नुकसान होता था. तो वो कौन सा फैब्रिक है? वो है शहतूत. सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. स्टडी द गिवन रिलेशनशिप कॉटन, जूट एंड वूल. तो कॉटन जूट एंड वूल, तो ये नेचुरल फाइबर है, तीनों ही नेचुरल फाइबर है. ये प्लांट फाइबर है, दिस इज ऑल्सो प्लांट फाइबर, ये एनिमल फाइबर है. इसी तरह की रिलेशनशिप हमें इसमें ढूंढनी है. तो रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिएस्टर इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर और हैम्प जो है वो एक प्लांट फाइबर है. तो ये रिलेशनशिप इसमें करेक्ट नहीं है. कैपक, हैम्प एंड शहतूत. तो कैपक और हैम्प जो है वो प्लांट फाइबर है, शहतूत एक एनिमल फाइबर है. सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. तो सबसे पहले है वीविंग, निटिंग आर द टू मेथड्स कन्वर्टिंग यार्न इनटू फैब्रिक. दिस इज ट्रू क्योंकि वीविंग एंड निटिंग ये वो मेथड्स हैं जिससे हम यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स हैव लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी देन नेचुरल फाइबर. दिस इज ऑल्सो ट्रू. जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड एट द फ्लावरिंग स्टेज ऑफ द टू ऑब्टेन फाइबर्स. तो ये ट्रू है क्योंकि जूट प्लांट को फ्लावरिंग स्टेज, अगर हमें फाइबर ऑब्टेन करना है तो फ्लावरिंग स्टेज पर ही हमें हार्वेस्ट करना होता है. कॉटन फाइबर्स आर सोर्स्ड फ्रॉम सीड हेयर एंड दस बर्न विद अ स्मेल लाइक दैट ऑफ बर्निंग हेयर. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो कॉटन फाइबर्स हैं वो हमें फ्रूट से मिलते हैं, प्लांट के फ्रूट से मिलते हैं और इसके अलावा जब हम कॉटन को बर्न करते हैं तो बर्निंग पेपर की स्मेल आती है. जैसे हम पेपर को जब बर्न करते हैं तो वैसी स्मेल आती है और बर्निंग हेयर की स्मेल हम जब वूल को बर्न करते हैं तब आती है. सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. शहतूत इज अ फैब्रिक मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम टिबेटन एंटीलोप. ये ट्रू है और ये फैब्रिक
गवर्नमेंट के तरफ से बैन हो चुका है। तो सैतूश इज टिबेटन इंटरलोप से मिलता है। बी मोहर फाइबर सिमिलर टू वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द अंगोरा गोट। सो मोहर एक दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि फाइबर सिमिलर टू वूल की तरह ही होता है मोहर, और ये अंगोरा गोट से ही मिलता है। फाइनेस्ट वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम अ ब्रीड ऑफ शीप दैट इज मैरिनो, और ये स्पेन से ओरिजिनली ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, तो फाइनेस्ट वूल हमें मैरिनो से ही मिलता है। एंगोरा वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम कैश्मीर गोट, दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि जो एंगोरा वूल है वो हमें एंगोरा रैबिट से मिलता है, ना कि कश्मीर गोट से। तो एंगोरा रैबिट से हमें मिलती है एंगोरा वूल। सो डी ऑप्शन इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सिल्क, सिल्क के बारे में क्या ट्रू नहीं है। सिल्क वॉज फर्स्ट मेड इन चाइना, तो सिल्क का ओरिजिन जो है वो चाइना से ही हुआ था, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि नेचुरल फाइबर में अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है दैट इज सिल्क। ऑन बर्निंग सिल्क गिव्स द ऑर्डर ऑफ बर्निंग हेयर, यहाँ पर जो बर्निंग हेयर है जब हम वूल को बर्न करते हैं तो हमें बर्निंग हेयर की स्मेल आती है, और जब हम सिल्क को बर्न करते हैं तो हमें चर्ट मीट की स्मेल होती है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट सिल्क। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, दिस इज ट्रू क्योंकि ये एक सिल्क है जो वो प्रोटीन फाइबर है, और इसके कंपोजिशन में हमारे पास जो होता है फाइब्रोइन, फाइब्रोइन होता है दैट इज 80% होता है, और सैरिसिन नाम की भी इसमें इसके कंपोजिशन में होती है दैट इज 20%। सो सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग।